बड़े अरमान के साथ, हर ज़रूरत के सरो सामान के साथ, इंजीनियर बनने का मन में जो सपना था, सारे गमों से ऊपर वही एक अपना था। छूटा था घर बार फिर भी एक खुमार था, कॉलेज और हॉस्टल को ही हमने समझा अपना परिवार था। फर्स्ट ईयर की वो यादें, वो रोना घर से आकर, खुद को तसल्ली देना कम नंबर्स को पाकर। मैथ्स और मैकेनिक्स से सीनियर्स ने बड़ा डराया था, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का खौफ भी समाया था। ढेर सारा डर और बहुत अंजामों के साथ आ गए सेकंड ईयर में नए समाओं के साथ। कोई हो गया दीवाना तो किसी का दिल टूटा, किसी को हुई नई दोस्ती तो कितनों का साथ छूटा। इन सब के साथ हम लॉजिक लगा रहे थे, अपने लाइफ का एक नया स्ट्रक्चर बना रहे थे। चढ़ चढ़ के सीबी एनएसटी और माइक्रो प्रोसेसर की दीवार, हम आधे इंजीनियर बनने का भर रहे थे हुंकार। धीरे धीरे हम एक स्टेबिलिटी पा गए, मजाक में ही सही हम थर्ड ईयर में आ गए। इतने समय तक सबके पर्सनल दोस्त भी हो गए थे, एक ही क्लास में दो चार परिवार भी बन गए थे। डेटाबेस में हमने जहाँ यादों को स्टोर कराया, वहीं नेटवर्क ने हमें नए रिश्तों का लिंक बनाना सिखाया। ढेर सारी ट्रेजिडी, सस्पेंस और कॉन्फ्लिक्ट की बातें, कहाँ सहेज के रखे हम इतनी सारी यादें। वो कॉलेज का बंक, वो कैंटीन का खाना, वो दोस्तों का अड्डा, वो घर से झूठ बोलकर बाहर जाना, वो तेरी वाली मेरी वाली का चक्कर, वो किसी से बात करने का खोजना बहाना, वो आए दिन की लड़ाई, वो किसी के खिलाफ एक शब्द भी न सुन पाना। बचे खुचे एरर्स को भी हम डीबग कर गए, कंपाइलर पे अपने सारे पेंडिंग प्रोग्राम भी रन कर गए। अब बचा रहा हमारा आखिरी सफ़र, यहाँ से करना था हमें काफ़ी सफ़र। ली थी हमारी ज़िंदगी ने एक नई अंगड़ाई, आखिरकार होने वाली थी कैंपस और गेट की लड़ाई। प्रोजेक्ट का ग्रुप बनाने में भी काफ़ी झगड़ा हुआ, प्रेजेंटेशन में हम सब का खिंचाई भी तगड़ा हुआ। फाइनल ईयर में नहीं मिला कोई रहमत का साया, मेहनती टीचर्स ने हमें लंच में भी पढ़ाया। गेट को लेकर हमें किसी ने काफ़ी ताना सुनाया, टेकफेस्ट को हमारा आखिरी जलसा बताया। लेकिन जो भी था, ये सब बड़ा अच्छा था, थोड़ा कड़वा और बहुत सारा सच्चा था। टेकफेस्ट का वो आनंद, टीचर्स के साथ मस्ती, टेक्निकल इवेंट्स के लिए कोडेक्स की नई कश्ती, वो आखिरी दिन सबका फ़ोटो का खिंचवाना, सबके शर्ट पे अपने मन की बात लिख लाना, फिर भी कुछ किस्सों का अनकहा अधूरा छूट जाना और यहाँ पे हमारे सफ़र का ख़त्म हो जाना। ये सब याद आएगा जब भी हम होंगे अकेले, ये सब याद आएगा जब हम तलाशेंगे एक नई जगह पे अपना आशियाना, ये सब याद आएगा जब इस ज़िंदगी के भाग दौड़ में हम खोजेंगे सुकून को, ये सब याद आएगा जब सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस लौटने को जी करेगा, ये सब याद आएगा जब पैसे होने के बावजूद पार्टी करने का समय नहीं होगा, ये सब याद आएगा जब ज़िंदगी का असल मतलब समझ आएगा। थैंक यू गाइस फॉर ईच एंड एवरी एक्सपीरियंस ऑफ दिस कॉलेज, डेफिनेटली विल मिस दिस 4 years। थैंक यू।